नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव संगेलिया फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जीपी व्लॉग्स में। दोस्तों आपने देखा होगा कई बार कुछ टाइम पीरियड के बाद गाड़ी की हेडलाइट्स जो है पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती है। सेम सिचुएशन मेरे साथ हुई है। मेरी राइट हैंड साइड की लाइट हेडलाइट जो है गाड़ी की वो हल्की सी पीली होना स्टार्ट होगी, और जिससे दोस्तों प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब मैं राइट में ड्राइव करता हूँ तो क्लियर नहीं दिखाई देता है, जो कि वो ब्लर हो चुकी है, पीली हो चुकी है, तो उसका जो विज़न है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। और ये दोस्तों अगेन सेफ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, अब इसके कारण भी एक्सीडेंट हो जाए वो तो बेवकूफ़ी होगी। तो चलिए इससे अच्छा इसको ठीक ही करा लिया जाए। मैंने तो नई ऑर्डर कर दी थी, तो मेरे को किसी ने एडवाइस किया कि क्लियर हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी, इसकी बफिंग करा दो। अब मुझे पता नहीं है बफिंग क्या होता है, तो मेरा एक कॉन्टैक्ट एक मैकेनिक से हुआ है और यहाँ पे गुड़गांव में 12 सेक्टर में वो उसने अपना शॉप किया हुआ है। अब उसी के पास जा रहा हूँ, देखते हैं वो क्या करता है और ये क्लियर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या फिर मुझे नई ही रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों मैं आपका उसका रिव्यू आपको देता हूँ। पहले इसको क्लियर कराते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या यूज़ करेगा और कैसे उसको क्लियर करेगा। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। थैंक यू। तो ये लीजिए दोस्तों, हम आ गए 12 सेक्टर गाड़ियों की मार्केट में, और यहाँ पर हर प्रकार का गाड़ियों का काम किया जाता है, जिसमें कि डेंटिंग, पेंटिंग और बम्पर रिपेयरिंग, सर्विसिंग सब कुछ आ जाता है। मतलब ये एक गाड़ियों की ही मार्केट है जहाँ पर सारी गाड़ियाँ ठीक होती है, नई बनती है और सारा काम इधर होता है। दोस्तों इनका नाम है RK मोटर्स। तो भाई साहब जो है लाइट की एच खोल करके लाइट को खोलना स्टार्ट कर रहे हैं। ये लीजिए भाई साहब ने लाइट को उतार लिया है, इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इनके पास तो लाइटों का भंडार है, और इनके पास ये सारी सेकेंड हैंड लाइटें हैं जो कि ये रिप्लेस करते हैं। तो अगर आपको कभी भी लाइटों को क्लियर करवाना हो, चेंज कराना हो, तो आप यहाँ पे गुड़गांव सेक्टर 12 में आ सकते हैं। इस लाइट की हालत देखिए दोस्तों, ये तो पूरी ही ब्लर हो चुकी है, वाइट हो चुकी है। भैया ने पूरी लाइट खोल के रख दी है, मतलब पता नहीं क्या स्प्रे है, किस चीज़ का केमिकल है, पानी है या क्या, ये पानी है। मतलब ये लगा लीजिए, एक एक पार्ट को क्लीन किया जा रहा है, ये कोई मशीन प्रोसेस है जो कि ये कर रहे हैं, शायद हवा की मशीन ही है, हवाई मार्केट को साफ करें। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सारा ही पूरी मतलब मार्केट जो है ना गाड़ी की रिपेयरिंग के लिए ही है। तो भाई सब ब्लैक कुर्ते पजामे में मालिक बैठे हुए हैं। लो जी भैया ने फिर से सील साल लगा करके इसको फिर से पैक कर दिया है। ये भैया ने रेक मार के साथ इसको रगड़ना स्टार्ट कर दिया है, मतलब इसकी स्क्रबिंग स्टार्ट कर दी है। जैसे कि मैंने इनसे पूछा कि ये भैया क्या है, तो इन्होंने मुझे बताया 600 नंबर रेक मार है, आप इसको पेपर डस्ट पेपर भी बोल सकते हैं, तो इसका नंबर होता है 600 नंबर। इससे इसको फ़ायदा ये है, इसकी येलोनेस, लाइट की येलोनेस जो है वो रिमूव हो जाएगी, और जो इस पर थोड़े बहुत स्क्रैचेस है वो भी चले जाएंगे। तो ये है इनकी रबिंग मशीन जो कि भैया ने स्टार्ट कर लिया, और ये रबिंग करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया इसका। क्रीम इस पर लगाई है जो कि रबिंग क्रीम है। ये शाइनिंग क्रीम लगाने के बाद भैया फिर से रबिंग में स्टार्ट हो गया। ये भैया ने काम अपना डन कर दिया है, और इसके बाद ये दोबारा से लाइट को सेट कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, जो कि मेरा अभी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो लेफ्ट हैंड साइड से लगी थी, तो उसमें लाइट को डैमेज हुआ था, वो टूट गई थी, तो उसके रहते हुए लाइट जो है चेंज हुई है और नई के साथ रिप्लेस हुई है। अब देखिए जो अभी बफरिंग करा करके पुराने वाली लाइट की कंडीशन अभी क्या है। देखो नई जैसी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ येलोनेस ख़त्म हो गई है, और इसका विज़न जो है वो मेरे को लगता है कि अब रात को ठीक आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, थैंक यू सो मच।